उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर योगी सरकार ने तेजी से लगाम कसना शुरू कर दिया है। वहीं लगातार बढ़ रही भ्रष्टाचार की घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त कदम उठा रही है। वहीं कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में उस वक्त देखने को मिला जब एंटी करप्शन की टीम ने दाखिल खारिज के नाम पर 4000 रुपए की रिश्वत ले चुके एक घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के अनुसार रामपुर के किसान पप्पू सिंह ने एक जमीन खरीदी थी। प्रक्रिया अनुसार उन्हें इसका दाखिल खारिज कराना था, लेकिन हल्का लेखपाल अजय पाल उनको लगातार टरकाता चला रहा था। फिर एक दिन उसने पप्पू सिंह से दाखिल खारिज के बदले 4000 रुपए रिश्वत की मांग कर डाली। फिर क्या था, किसान पप्पू सिंह ने उसे बिना जाहिर किए इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग मुरादाबाद से की, जिसके बाद टीम ने लेखपाल को तय रकम सहित गिरफ्तार कर लिया और घूसखोर के विरुद्ध थाने गंज में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वही मामले को लेकर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। एक पप्पू सिंह शिकायत करता है, उनका बैनामा हो चुका था तो दाखिल खारिज होना था, तो अजय पाल सदर तहसील में जो लेखपाल हैं उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई कल, और फिर हमने टीम का गठन जो है लखनऊ अपने अधिकारियों के माध्यम से कराकर आज जो है डीएम साहब से दो स्वतंत्र गवाह लिए और फिर आज उनको रंगे हाथ पकड़ा गया 4000 रुपए की रिश्वत। मैं देखना होगा कि कब जाकर इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी।